हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप आईएएस के चैनल में। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे 2017 यूपीएससी के 2017 के क्वेश्चन पेपर, जो कि पूरा हम ऑफिशियल पेपर ही डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इसका जो पूरा यूपीएससी का हम पेपर डिस्कस करेंगे। और इसमें इस वीडियो के जरिए हम 2017 के पूरे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन को एग्ज़ाम हाल में आप टैकल करें ना, पूरा हम आपको अप्लाइड फॉर्म में बताने वाले हैं ना। और ये जो है तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, जब तक एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि आप चाहे आज मार्केट में कितने भी किसी भी इंस्टीट्यूट के आप पेपर क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए, वो यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को टक्कर कभी भी नहीं दे सकते ना दे पाएंगे ना, अभी का जो भी ट्रेंड है। इसीलिए मैं फ्रेंड बता दे रहा हूँ कि आप लोग चाहे कितने भी प्रैक्टिस सेट कर लें, ठीक है, लेकिन जब तक आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखेंगे, तब तक आप यूपीएससी के ट्रेंड को बिल्कुल भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे और यूपीएससी के क्वेश्चंस पे धोखा खा जाएंगे। इसीलिए फ्रेंड मैं अगेन एंड अगेन फिर से कहना चाहता हूँ कि आप लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर से ज़रूर देखें। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा आपके माइंड जो होता है इस तरह से बिल्डअप हो जाता है कि जो यूपीएससी के जो कीवर्ड प्रयोग होते हैं, यूपीएससी की जो लैंग्वेज होती है, यूपीएससी के जो टाइप्स होते हैं ना, तो वो आपके माइंड पे ऑलरेडी जो ब्रेन में वो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। तब जाकर के आप यूपीएससी के क्वेश्चन के अनुकूल यानी फ्रेंडली हो जाते हैं, तब आप बेहतर तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। और वो आपके लिए जो जिस क्वेश्चन को आप बहुत कम या ना के बराबर जानते हैं, उसको भी आप इजीली उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, यदि आप यूपीएससी के ट्रेंड को एक बार समझ गए बेहतर तरीके से। तो इस वीडियो में हम इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन जो होंगे यूपीएससी के, तो उनको अप्लाइड फॉर्म में आपको बताएंगे ना। ये जो है तो निश्चित तौर पर इसको आप लास्ट तक वीडियो को देखेगा फ्रेंड, निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है फ्रेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर की तरफ जाने से पहले हम चलते हैं, देखते हैं ये कि संत तुकाराम जिन्हें एक वह कहा था कि अभ्यास के बिना साध्य की प्राप्ति हो यह संभव ही नहीं है, है ना। यानी कि आप जब तक अभ्यास नहीं करते हैं बेहतर तरीके से, आप उस पर किसी भी चीज़ के लिए यदि किसी चीज़ को पाना है तो आपको अभ्यास निश्चित तौर पे करना ही पड़ेगा, और तभी जाकर के आप बेहतर तरीके से अपने साध्य को प्राप्त कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से भेद पाएंगे। इसीलिए कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, निपुण बनाता है, दक्ष बनाता है। इसीलिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड हम यहाँ पास यूपीएससी के 2017 का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको यहाँ पास हम पूरा डिस्कस करेंगे ना। और उसके हम एक्सप्लेनेशन से हमें ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा उसका डीप एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बाकी तो चीज़ें आपने यदि पूरा मतलब सिलेबस तो मैं तो इतना तो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप यदि यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने सिलेबस पूरा पढ़ा ही होगा, है ना। तो इसमें से आपको यहाँ पर टिप यदि हम पूरा एक्सप्लेन करने लगेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा खींच जाएगा, 2 से 3 घंटे खींच जाएगा, उससे कोई मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा खास आउटपुट उसमें मिलने वाला है ना। तो हम पूरा एक्सप्लेनेशन डीप एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पास आपको पूरे वीडियो में अप्लाइड फॉर्म बताएंगे किस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर तक पहुँचा जा सकता है ना यूपीएससी के। साथ ही साथ हम जो है तो अन्य प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जैसे कि 2017 तो ये कर ही रहे हैं, 18-19 का और 2016 तक, यहाँ पास लगभग 3 से 4 साल के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पास जो है तो इनके वीडियो बनाएंगे अलग अलग, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फ्रेंड साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो हम क्वेश्चन नंबर एक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पास स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा कि पहला स्टेटमेंट है, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट है, ऐसा है क्या? तो ये स्टेटमेंट जो है तो इस स्टेटमेंट में ध्यान दें तो जो गैर सरकारी विधेयक होता है तो वो चाहे वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, कोई भी संसद का व्यक्ति जो है तो गैर सरकारी विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है, जबकि जो सरकारी विधेयक कहा जाता है तो सरकारी विधेयक जो है मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं कि हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक, ये पहली बार बोल दिया मतलब एक्सट्रीम लेवल बात कर रहा है, और ये पहली बार नहीं बल्कि गैर सरकारी विधेयक तो कई पारित हो चुके हैं, है ना, मोर देन 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुके हैं, तबकि ये भी स्टेटमेंट जो है तो रॉन्ग है। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, मतलब कि ना एक ना दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदकालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग ने पढ़ाई होगा ऋग्वेदकाल और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। यहाँ पास कोई जरूरी नहीं कि आप तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को मतलब कि पूरे फैक्ट नहीं पता होते हैं, लेकिन
थोड़ा थोड़ा सा आप यहाँ पर गेस कर सकते हैं ना क्वेश्चन पे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बट थोड़ा सा गेस करके इस क्वेश्चन के आंसर पे पहुँचा जा सकता है। ठीक है, जैसे देखते हैं कि यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर दिया गया कि ऋग्वेदकालीन आर्य जो हैं कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। कि आप लोगों ने जैसे यहाँ पास ये तो कहीं मुश्किल ही है कि कहीं पढ़ा हुआ कि ये मतलब कि हेलमेट वगैरह इस तरह के सब तो किसी भी बुक में शायद ही देखने को मिले, लेकिन यहाँ पास आप लोग मतलब कि देखें यदि तो गेस कर सकते हैं कि जैसे कि ऋग्वेद काल था वहाँ पास आर काफ़ी मतलब कि आर जब आए वहाँ पास तो काफ़ी मतलब कि युद्ध लड़ाई वड़ाई ज़्यादा होती थी, है ना। तो इस टाइप से यहाँ पास हम इनकी मतलब कि एक उनको सपोज कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें रही होंगी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता वैसे भी इसमें कैसे कोई युद्ध के अवशेष या हथियार इस तरह के साक्ष्य नहीं उसमें देखे गए, है ना। तो इसकी पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम पड़ती है सिंधु घाटी, मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है तो लगभग लगभग कुछ सही मतलब प्रतीत हो रहा है ना। इसको लगभग मतलब कि ये करेक्ट स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि ऋग्वेदकालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था, है ना। यदि हम इसी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये जो लोहे की यदि बात करते हैं यहाँ पर सॉरी ये पर सोने चांदी और तांबे की बात करते हैं, तो ये जो सिंधु घाटी के लोग थे तो उनके समय में भी जो है तो उनको भी मतलब कि लोहा तब तो नहीं था ना, क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल में देखा गया है। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पास ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी में लोहा तो नहीं था, बाकी जो सोने चांदी थे ये इनकी उपस्थिति थी, है ना। वहीं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट सेकंड नंबर जो है ये रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट चलते हैं कि अब यहाँ पर सब आप देखें यदि क्वेश्चन के जो स्टेट ऑप्शन दिए हुए तो ऑप्शन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हमने तो देखा कि स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो है ये सही है। ठीक है, तो अब वन वाले स्टेटमेंट चलते हैं, मतलब कि ये स्टेटमेंट यहाँ पास से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर बात करते हैं, सेकंड नंबर आपने यहाँ पास किया कि सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी रॉन्ग है। ठीक है, मतलब कि सेकंड को भी आप एलिमिनेट कर दें तो सेकंड भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं और फर्स्ट को भी आप ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पास आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए या सी। अब चलते हैं पढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे कि ऋग्वेदकालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पास यदि बात करते हैं तो सिंधु घाटी में हालांकि ऋग्वेद काल में आप लोगों को पता ही होगा कि घोड़े का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा देखा गया था, है ना। लेकिन यहाँ पास हालांकि ये भी है कि सिंधु घाटी में इस प्रकार के मतलब कि घोड़े के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए, तो इस स्टेटमेंट को जो है तो आप लगभग लगभग इसको सही मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो मतलब कि अब यदि ऑप्शन पे चलते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि इसका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है तो ये करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड नंबर कि पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचार में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। हालांकि ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन इसके यदि हम वर्तमान की बात करते हैं 2020 की बात करें तो इसमें तो इसके रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आप लोग करंट की भी टाइप समझ सकते हैं कि किस टाइप से मतलब कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बन जाते हैं करंट अफेयर्स के, इसलिए आपको मतलब कि इसका जो टाइप है ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका आंसर आपके लिए कोई ज़्यादा खास महत्वपूर्ण नहीं माने रखता है ना। तो ये जो पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम, इस तरह से स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दिया करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो है तो जैसे इसके यदि आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट नंबर, लेकिन निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन ये पूर्व अधिगम स्कीम की जो मान्यता इसका जो सेंस है ना, इसका ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व ठीक है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर चार पे देखते हैं कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्न से किसका महत्व है ना। तो इसका जो ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र का, है ना, यानी कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है, तो इससे जो है तो पूर्वी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है तो इनको दोनों के बीच अच्छे संपर्क के माध्यम के रूप में यहाँ पास ये जो है। ठीक है, लोकेशन इसकी बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि, ठीक है, ये भी आपके ये जो समझ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है या विचारधारा का अभाव है। तो समानता के होने का निहितार्थ ये है कि विशेषाधिकारों का अभाव है, है ना। हमारा आर्टिकल 14 में कहता है कि समता का अधिकार है, है ना, कि सभी को बराबर इक्वल ट्रीट किया जाएगा। यानी कि यदि इक्वल ट्रीट किया जाएगा तो मतलब किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, यानी कि विशेषाधिकारों का अभाव हो जाएगा। इसलिए इसका फिफ्थ नंबर का जो ए नंबर होगा वो सही होगा स्टेटमेंट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण। हाँ, एक बात आप लोग ये भी ध्यान रखें कि स्पेशल तौर पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये जो यूपीएससी का जो ये हिंदी ट्रांसलेट होता है ना, ये थोड़ा सा ये काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है, इसलिए जो है तो आप लोगों को ये
स्पेशल तौर पे बताना चाहूँ कि आप लोग जो है तो दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करें, है ना, समझने के लिए कभी कभी जो है तो इंग्लिश वाला जो वर्ड है तो काफ़ी बेहतर समझ में आता है कंपेरिजन हिंदी के, इसलिए जो तो हिंदी और इंग्लिश जो है तो दोनों को एक साथ मतलब कि देख करके, जहाँ जो टर्मिनोलॉजी समझ में ना आए तो उसका इंग्लिश वर्जन आप लोग देख लें तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है वो चीज़, है ना। तो दोनों का प्रयोग करके तब आप बेहतर मतलब कि आंसर अपने वो कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड मतलब कि ट्रैफिक, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स के संदर्भ में निम्न स्टेटमेंट पर ध्यान देने की बात है। तो स्टेटमेंट पर चलते हैं। तो ट्रैफिक से रिलेटेड स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो है, या ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो, है ना। तो यदि हम इस पर देखें तो ये जो इसका जो सही आंसर होगा तो होगा स्टेटमेंट इसका जो 2 है वो इसका करेक्ट है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र परिवहन कार्यक्रम का एक ब्यूरो नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग है ना। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पास इंग्लिश भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया है, DPSP से क्वेश्चन आ गया था, है ना। तो अब यहाँ पास से देखते हैं, तो ऑप्शन पे ध्यान दें। ऑप्शन है कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, या ध्यान देना है कि 42 अमेंडमेंट के तहत जो जोड़ा गया था तो कौन से इसमें जोड़ा गया है। सेकंड नंबर है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, या श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ठीक है। ये जो है तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, या सेकंड नंबर है कि अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। थर्ड नंबर स्टेटमेंट कहता है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, या डी नंबर है कि अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं, ठीक है। तो यदि हम आप इसको देख सकते हैं आपके जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, तो मौलिक अधिकार के सेंस पे इसकी बात की जाए तो ये जो है तो आपका स्टेटमेंट आप उसको बेहतर तरीके से जज कर पाएंगे। इसका सी नंबर जो होगा तो सही होगा कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ठीक है, यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं तो ये मतलब कि इसी उससे प्रेरित हैं, इसी थीम पर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो ये मैं आप लोगों के लिए होम टास्क दे रहा हूँ कि आप लोग इसको जो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ठीक है। इन ऑप्शंस में से ये तो वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच, या UN मानवाधिकार परिषद, या UN वुमन, या विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये आप लोगों के लिए टास्क है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि ये कौन पब्लिश करता है, ये आप लोग के लिए एक टास्क दिया जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, ठीक है। अदर स्टेट PCS के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये फिर से नेक्स्ट अपना करंट का क्वेश्चन आ गया कि स्मार्ट इंडिया हैकथन 2017, ठीक है, हैकथन से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया था। कि ये भी आपके करंट है, बट आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि किस टाइप से यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कि इसका ऑप्शन पे देखते हैं कि हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है, या हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नए डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिक अभिज्ञान की एक पहल है ना, या कि यह कार्यक्रम जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश से वित्तीय लेन देन को पूरी तरह से डिजिटल करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी कि ओनली सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट है तो इसका करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी संबंधित है कि ये RBI की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है, स्टेटमेंट नंबर 1 है। सेकंड है यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें RBI का गवर्नर शामिल है, प्रत्येक वर्ष इनका पुनर्गठन किया जाता है, या केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है, ठीक है। यदि इनके ऑप्शंस पे ध्यान दें हम लोग, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मतलब कि 1st स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है। बाकी ये इसका रॉन्ग है, 2nd और 3rd स्टेटमेंट जो इसकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता वो वित्त मंत्री नहीं करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ना। तो मणिपुरी संकीर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया था आपका ना, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन। तो यहाँ पास देखें तो मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में जो इसका आंसर है, तो मतलब कि ये गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। केवल करताल सिंबल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन करता है, ठीक है, मणिपुरी संकीर्तन, और यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इट मीन्स इसका स्टेटमेंट नंबर बी नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा, ठीक है। बाकी सेकंड नंबर स्टेटमेंट जो है तो ये रॉन्ग होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था, ठीक है। तो रैयतवाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन पे देखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस या अलेक्जेंडर रीड या थॉमस मुनरो। तो रैयतवाड़ी से रिलेटेड कॉर्नवालिस नहीं थे, है ना, कॉर्नवालिस तो स्थायी बंदोबस्त रिलेटेड थे। बाकी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो इसका सही स्टेटमेंट होगा, मतलब कि सी नंबर इसका जो है तो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण या बायो रेमेडिएशन तकनीक के कौन कौन से लक्ष्य हैं, लाभ हैं, ठीक है, कौन कौन से लाभ हैं बायो रेमेडिएशन के। तो इनके ऑप्शंस पे ध्यान दें, ठीक है। तो इनके ऑप्शंस हैं कि यह प्रकृति में घटित होने वाले जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदोषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैव उपचारण द्वारा सहज और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है ना। ये तो भारी जो धातुएं हैं तो इनको तो इस प्रकार से मतलब कि पूरी तरह से नहीं वो किया जा सकता है ना, नहीं उपचारित किया जाता है, मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है तो रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जैव उपचारण के लिए विशेषतः अवकल्पित सूक्ष्मजीवों और को सृजित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है ना, मतलब ये अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड नंबर स्टेटमेंट भी सही है, मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। इट मीन्स इसका सही नंबर ऑप्शन जो है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट जो है निम्न में से किसका उपबंध करता है? तो इसके इस पे बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अधिकरणों मतलब ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, है ना, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन के सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है, है ना। तो यह एक प्रयोग है किसका, संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के, प्रशासकीय प्रत्ययन के, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, है ना। तो स्थानीय स्वशासन तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निदेशक तथा डीपीएसपी से क्वेश्चन आया था, है ना, डीपीएसपी से इसमें 2017 में काफ़ी क्वेश्चन देखे गए थे ना। तो चलते हैं कि यहाँ पास है कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, है ना। तो इस पर यदि देखें तो जो डीपीएसपी हैं ये न तो विधायिका कार्यों पर निर्बंधन करते हैं ना ही कार्यपालिका के। इसका मतलब जो स्टेटमेंट नंबर जो इसका फर्स्ट और सेकंड है दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचारों में आने वाले जो डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति यानी डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी जो है तो ये काफ़ी चर्चित उस समय था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किससे रिलेटेड जो कीवर्ड है, है ना, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी। तो इसका जो सही आंसर था वो था ईयू का, है ना, यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर के समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में दो बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है, फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है, है ना। यदि इसके आंसर पे चलते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चांदीपुर में, ठीक है। चांदीपुर कहाँ पास है, उड़ीसा में, ठीक है, एक द्वीप ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988, है ना, 1988 यानी कि PVPT अधिनियम। इसके लिए हम देखें तो इसका जो मतलब कि इंग्लिश वर्जन है 20 नंबर क्वेश्चन का, बेनामी संपत्ति रिलेटेड यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988, ठीक है, इसी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या आया था, जैसे कि इसमें इसके इसी रिलेटेड क्वेश्चन कि इसमें से इससे
किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है तो। ठीक है, स्टेटमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट ये कह रहा है ना। वहीं नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे ध्यान दे, तो फर्स्ट नंबर जो है कि ये मतलब कि ये यदि अवगत नहीं है तो उसका मतलब कि उसको मतलब संपत्ति का मालिक नहीं समझा जाएगा बेनामी संपत्ति लेन देन का, तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड नंबर पे ध्यान दें तो बेनामी पाई गई संपत्तियाँ सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए मतलब कि वो होंगी जब्त कर ली जाएंगी, है ना। तो इसका जो नंबर सेकंड नंबर स्टेटमेंट जो है तो ये जो तो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट पे ध्यान दें तो ये अधिनियम जांच के लिए तीन प्राधिकारियों का उपबंध करता है किंतु यह किसी अपीली क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता है। ठीक है, तो यदि इस पर देखें तो ये भी स्टेटमेंट जो है तो रॉन्ग है। ठीक है, मतलब किसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर सही होगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ कारणों बस यदि तितलियों की जाति या स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इससे संबंधित क्या परिणाम इसके संभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो तितलियों की संख्या में गिरावट होती है तो इससे इसके जो आउटकम देखने को मिल सकते हैं, ऑप्शन पर चलते हैं, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है तो सही होगा, मतलब कि ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट पे है कि कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। ठीक है, तो कवकीय संक्रमण बोल रहा है कि प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। वहीं थर्ड स्टेटमेंट पर ध्यान दें कि इसके कारण बटरू मकड़ी और जो पक्षी हैं उनकी कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है तो ये जो है तो मतलब कि काफ़ी एक्सट्रीम बात कर रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे, इसीलिए ये जो है तो स्टेटमेंट सेकंड नंबर जो है तो करेक्ट नहीं होगा, यानी कि आपका जो आंसर सी होगा ये सही होगा, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा या सीमाएं हैं, है ना। तो विकासशील देशों की सीमाओं की बात की जा रही है शैवाल आधारित जैव ईंधनों से रिलेटेड, है ना। तो ऑप्शन पे ध्यान दें, तो ऑप्शन है कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। ठीक है, तो इस पर देखें तो ये क्वेश्चन जो है तो ओनली की बात कर रहा है और ये जो है तो कुछ मतलब कि स्टेटमेंट जो है तो सही नहीं है। ठीक है, वहीं नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं कि शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है, मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है तो सही है। ठीक है, वहीं आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है जिससे कि पारिस्थितिक और सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब ये भी स्टेटमेंट जो है तो करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पास जो है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, मीन्स कि इसका बी नंबर ऑप्शन जो है तो सही होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं, इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। तो इस पे ऑप्शन पे ध्यान दें, गर्भवती महिला तथा स्तनपान करने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों किशोरी तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना, यह भी स्टेटमेंट सही है। वहीं बाजरा मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ावा देना, ना। तो इसकी स्टेटमेंट की यदि बात करते हैं तो ये इसका ऐसा टारगेट इसमें नहीं है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में, इसका मतलब कि ये थर्ड स्टेटमेंट जो है तो ये करेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है तो करेक्ट हैं, तो इट मीन्स इसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और लास्ट है कि मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना, है ना। तो इसका ये भी टारगेट नहीं है, इट मीन्स कि थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इसके रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड सही हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट देखें तो इसका मतलब कि यही टारगेट नहीं था, है ना। वहीं सेकंड नंबर पे देखते हैं कि NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, मतलब कि ये तो सही ऑप्शन है, इसका मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, मतलब कि बी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO2 के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आशन भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान हो सकता है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हिंदी काफ़ी जटिल है, तो इसका आप इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं 25 नंबर पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ में अच्छे तरीके से आएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब इस पे से देखते हैं, तो इसके स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दें, तो इसके स्टेटमेंट में आप लोग देखें तो
स्टेटमेंट है कि परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर या निशेष तेल एवं गैस भंडार। थर्ड नंबर स्टेटमेंट है कि भूमिगत गंभीर लवड़ी शैल समूह, मतलब इसके जो तीन स्टेटमेंट हैं मतलब ये तीनों सही हैं, संभावित परिणाम इसके तीनों सही हैं, इट मीन्स कि इसका डी नंबर जो है तो सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 1927 की जो बटलर कमेटी थी, तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था 1927 की। तो बटलर कमेटी जो थी इसका जो उद्देश्य था तो वो था कि भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच के संबंध को सुधारना। मीन्स डी आंसर नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाले पढ़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता मतलब डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध है ना। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसका डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इसका इस टाइप की मतलब कि ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के कीवर्ड भी यूपीएससी पूछ लिया करते हैं, इसके काफ़ी क्वेश्चन से पूछ जाते करंट से है ना, समाचारों में दिखाई देने वाले। तो इस पे भी आप लोगों का विशेष ध्यान होना चाहिए कि इस टाइप से जो कुछ डिफरेंट टाइप से जो कीवर्ड प्रयोग होती हैं उन पे भी विशेष फोकस देकर उनको भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इसका जो सही आंसर था वो था कि हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से रिलेटेड ये था डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि स्टेटमेंट में ध्यान दें कि परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं। ठीक है, या विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है। तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है ये दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका मतलब कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो होगा तो इस पे 29 क्वेश्चन पे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में एनपीएस से क्वेश्चन पूछा गया था उसी समय जब एनपीएस लागू हुआ था राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से है ना। तो क्वेश्चन था कि इससे मतलब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित कौन हो सकता है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड था। तो इसका जो सही आंसर है क्या इसमें केवल निवासी भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं, केवल 21 से 55 तक के लोग ही शामिल हो सकते थे। हालांकि अभी तो इसमें वर्तमान की बात करें तो इसका काफ़ी दायरा मतलब कि बढ़ाया गया है ना, लेकिन तब इसका जो यूपीएससी ने इसका सही आंसर माना था वो राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं, का सही आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी विशेष ध्यान रखिए क्योंकि तीस्ता नदी इस साल भी मतलब काफ़ी चर्चित रहा है ना बांग्लादेश से रिलेशन उसमें उससे रिलेटेड। तो इस पर ध्यान दें तो इसके ऑप्शन पे दे ध्यान। तो तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। ठीक है, इसके ऑप्शन पे याद रखिएगा कि ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ठीक है, वहीं रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, मतलब कि रंगीत नदी इसकी सहायक नदी है, ये स्टेटमेंट सही है इसका। और थर्ड स्टेटमेंट है कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ठीक है, तो यदि इस पर ध्यान दें तो इसका जो ये है तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें इसका फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग है, इट मीन्स कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है बी नंबर वो होगा सही होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st। तो ये क्वेश्चन है इन स्टेटमेंट पर ध्यान देने की बात है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उस समय जब काफ़ी चर्चित था है ना, जैसे कि वर्तमान में कोरोना वायरस से तो क्वेश्चन फिक्स ही है 2020 क्वेश्चन में। अब ये मैंने लगता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी है ना, कि इतना नॉर्मल उठाएगा क्वेश्चन कि लोग जिधर मतलब कि उसको उधर तक लोगों ने सोचा भी नहीं होगा है ना। बाकी आप लोग जितना भी एक्सप्लेनेशन उसका पढ़ते रहो लेकिन बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ ही पूछेगा और लोग उसमें फंस जाएंगे, इसीलिए उसको बेहतर तरीके से पढ़ने की समझने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर जैसे पूछा गया था जीका वायरस रिलेटेड, तो समझ सकते हैं कोई वायरस जब चर्चित होता है तो उसको कैसे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग इस जीका वायरस के पैटर्न से देख सकते हैं आपस किस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया था कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, यानी कि उसको जियोग्राफी से इंटीग्रेट कर दिया है ना। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है ना, कैसे कंपेरिजन कर रहा है। तो ये नंबर फर्स्ट नंबर है, तो मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है तो ये रॉन्ग है। वहीं सेकंड स्टेटमेंट चलते हैं कि जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। ठीक है, लैंगिक संचरण होना संभव है तो ये सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब कि जो इसका बी नंबर होगा स्टेटमेंट बी ऑप्शन जो होगा तो ये सही होगा। ठीक है, तो इस पर देखें तो सॉरी इसका इसका तो ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट सही होने चाहिए ना, तब कि उष्णकटिबंधीय जीका वायरस रोग जो है डेंगू उसी मच्छर से फैलता है ये भी है ना, और ये लैंगिक संचरण भी इसका पॉसिबल है। इट मीन्स इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों राइट हैं, यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 32 पे।
तो 32 क्वेश्चन क्या कहता है कि मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मानक चिन्ह अनिवार्य है, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कि एगमार्क खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है ना, तो इस क्वेश्चन पर ध्यान दें तो ये स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग है। इट मीन्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें, राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि NAM स्कीम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ है, है ना, तो सिंपल सा है। इसमें ऑप्शन देखते हैं कि यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, सही है। वहीं यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के लिए अनुरूप कीमत मिलती है ना, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है, इसमें इसका सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें, ठीक है। तो 34th में यदि देखें आप लोग तो यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौतों के लिए के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वहीं औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है, ठीक है, तो इसका यह भी स्टेटमेंट इसका सही है। इट मीन्स इसका सी नंबर ऑप्शन जो है तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि 35th नंबर कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा विश्व द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्न में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा कौन से प्राणी का शिकार 1972 एक्ट के तहत जो उसमें एक में रखे जाते हैं, है ना, तो इसमें से शिकार किसका नहीं किया जा सकता है। इन ऑप्शन पर आप ध्यान दें तो ऑप्शन कौन कौन से हैं, घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंसा, तो इनकी जो तीनों जो है तो इनका तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है, ठीक है। तो मूल कर्तव्यों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्यान देने वाली बात है कि UPSC का एक बहुत ही मतलब कि एक इसको कह सकते बहुत इंटरेस्टिंग एक उसका ऐसा लॉजिक होता है वो कोई भी बहुत जो ईजी क्वेश्चन होते हैं ना वो दिखने के लिए तो बहुत ईजी होते हैं लेकिन उनके जो ऑप्शन ऐसे सेट किए जाते हैं ना इसमें आप निश्चित तौर पे कंफ्यूज हो ही जाओगे ना। जितना ही मतलब कि इजी या बहुत ज़्यादा चर्चित जो मुद्दा होता है तो उसको UPSC पूछेगा उसके एक प्रकार से उसको ऐसे पूछेगा ना कि उसके ऑप्शन से निश्चित तौर पे आप कंफ्यूज हो गए ही होगे। जैसे कि आप TPSP के बारे में बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दें, TPSP से रिलेटेड ही क्वेश्चन ये, और इस क्वेश्चन के आंसर पर आप लोग कमेंट बॉक्स पर बताएं, कमेंट लिख के बताएं कौन क्या इसका सही होना चाहिए कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, ठीक है। तो यदि देखें तो इसके स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं तो पहली बात आपको पता होगा TPSP जो है तो प्रवर्तित नहीं होते हैं लेकिन इसमें बोला कि प्रवर्तित करते हैं, प्रक्रिया ऐसी दी गई है, मतलब कि ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड पे चलते हैं कि विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। इटमीन्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, ठीक है, ना तो एक और ना ही दो। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। हिस्ट्री का आपका पोर्शन आ गया तो इसमें से दिया हुआ है क्या है कि राधाकांत देव क्या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की प्रथम अध्यक्ष थे क्या, ठीक है, इनमें मतलब जो सही मैच किया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो इसका सही आंसर होगा तो ये तो राइट स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे राधाकांत देव। वहीं गुजुसु लक्ष्मी नरसु चेट्टी क्या मद्रास महाजनसभा के संस्थापक थे, इसका स्टेटमेंट जो है तो रॉन्ग होगा। वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, ये भी स्टेटमेंट नंबर सही था यार, तो कि पहला और थर्ड जो है तो सही स्टेटमेंट है, बाकी स्टेटमेंट जो है तो वो रॉन्ग है। इट मीन्स कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी उद्देशिका में नहीं है तो इसका ऑप्शन पर ध्यान दें, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। अब आप लोगों ने मतलब कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों ने प्रीएम्बल तो सभी लोगों ने मोस्टली पढ़ा ही होगा, ठीक है, लेकिन प्रीएम्बल को इतना बारीकी से नहीं पढ़ा होगा जिस प्रकार से बारीकी से यहाँ पास पूछ लिया गया है। यहाँ पास आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पास विचार, स्वाधर्म, उपासना, अभिव्यक्ति
ना, इनकी तो स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पास जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र कहीं भी आपके प्रीएम्बल में नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी ये तीन का जिक्र है तो आपका मतलब कि बी नंबर जो है यहाँ पास इसमें डिस्क्रिमिनेशन इशू नहीं है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के संदर्भ में बात करते हैं तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। तो QCI से रिलेटेड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार की संस्तुति पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये भी सही है, इट मीन्स इसका सी नंबर आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है, है ना। तो लघु वित्त बैंकों का प्रयोजन की बात करते हैं, ये लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना सही है, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना ये भी राइट स्टेटमेंट है, जबकि युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना ये इसका उद्देश्य नहीं है, इट मीन्स इसका सही आंसर होगा नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 41 नंबर कि आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कि इस टाइप के करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग टॉपिक्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन पे, इससे कुछ भी इस तरह के कोई सम्मेलन होते हैं तो उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इनके ऑप्शंस पे ध्यान दें तो ऑप्शंस हैं कि प्रथम APMC HUD भारत में 2006 में संपन्न हुआ जिसका विषय उभरते शहरी रूप नीति प्रतिक्रियाएं और शासन संरचना था, ठीक है। या भारत सभी वार्षिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी ADB APEC और एशियन की सहभागिता से करता है, ठीक है। तो इसके जो हम उस पर ऑप्शन की बात करते हैं, इसके जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ये दोनों ही रॉन्ग ऑप्शन है, इट मीन्स इसका डी आंसर जो होगा तो सही होगा, यानी कि इसका कितना बारीक इसके देखिए आंसर दिया गया है, लेकिन इसके दोनों ही आंसर जो है तो रॉन्ग है ऑप्शन स्टेटमेंट में, ठीक है। इसका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी देखे गए हैं, ये फिलोसफिकल क्वेश्चन डाल देते हैं UPSC से, ये ट्रेंड में देखा गया है, हाँ। इस टाइप से दो तीन क्वेश्चन देखे गए हैं कि लोकतंत्र का जो उत्कृष्ट गुण है वो ये है कि वह क्रियाशील बनाता है, ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन पे ध्यान दें, ठीक है। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, की गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, या समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि डायरेक्ट अप्लाइड फॉर्म है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण, ठीक है। तो इसका ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें कि UPI को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है, ठीक है। तो इसमें से इसका जो आंसर होगा, ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे, या लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी, ये काफ़ी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप स्टेटमेंट दिया गया है। वहीं FDI अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी, ये भी बहुत ज़्यादा कल्पना कर ली गई है। वहीं निर्धन व्यक्तियों को उपादान और सब्सिडीज का प्रत्यक्ष अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा बहुत प्रभावकारी हो जाएगा, ये बहुत एक्सट्रीम की बात सोच लिया है, है ना। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ना सोच करके, हैं जो सही इसका अप्रोप्रिएट आंसर दिख रहा है वो ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे, है ना, UPI से रिलेटेड। तो मतलब इसका ए नंबर जो होगा ये सही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी समाचारों में रहा इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिए कि इस टाइप के कीवर्ड जो न्यूज़पेपर में कभी कभी एडिटोरियल वगैरह में आप लोग मिलेंगे ही, है ना, कि इस टाइप के कीवर्ड पे विशेष ध्यान, कि इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी, स्टैंडर्ड मॉडल, है ना, इस टाइप के जो शब्द हैं किस संदर्भ में आते हैं, है ना। तो इसकी यदि आंसर पर ध्यान दें तो ये जो आते हैं तो ये हैं ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध से रिलेटेड क्वेश्चन, तब के करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो जीनोम सीक्वेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इस पे ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। तो इसका जो ऑप्शन पे ध्यान दें कि विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए अनुवांशिक सूचकों का विज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही। यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है, ये भी सही ऑप्शन है। इसका उपयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है, मतलब कि ये भी स्टेटमेंट इसका सही है, इट मीन्स इसका जो तीनों स्टेटमेंट्स है इसमें से डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ये कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, कि यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है, यह अधिक तक है कि
कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है या सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। संसदीय स्वरूप का एक वो है, लाभ है, इसे देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, कि कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच एक रिलेशन बताया पूछा गया है। ठीक है, कि हमारे अधिकार और कर्तव्य तो किस प्रकार से हों, तो उसका सही संबंध कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन पे ध्यान दें कि अधिकार जो हैं तो कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित हैं, या अधिकार व्यक्तिगत हैं अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं, या नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, या राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो इनमें सही ऑप्शन की बात करते हैं तो अधिकार जो है कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये बात एक बार कही गई थी। ठीक है, इसका ए नंबर जो है तो वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, है ना। तो हमारे संविधान निर्माताओं का जो मत है तो इन ऑप्शंस पे ध्यान दें तो सिंपल सा ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि प्रियम्बल, अरे प्रियम्बल जो है तो संविधान के एक प्रकार से वो दर्पण का ही काम करता है, है ना। तो यहाँ पास इसका उद्देश्य का जो है सही होगा आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। यदि आप कोहिमा, ये आपका जो है तो मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर के भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरता होगा। तो इसमें यदि देखते हैं, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपके 7 राज्यों से आपको गुजरना होगा। ठीक है, कोहिमा से कोट्टयम तक पहुँचने के लिए सड़क मार्ग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद किसके किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो जो संसद जो है तो उसका मंत्रिपरिषद के ऊपर नियंत्रण से रिलेटेड जो है तो इसकी स्टेटमेंट पे ध्यान दें तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही होंगे। तो इसमें मोस्टली जो है तो तीनों ऑप्शन ही सही हैं कि स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, इनके जरिए जो है तो इनको संतुलित मंत्रिपरिषद के प्रकार जवाबदेही इनकी सुनिश्चित की जाती है ना। तो डी नंबर इसका जो है तो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा काकती राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। ठीक है, तो काकती राज्य में सबसे महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था वो था मोटुपल्ली। बी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है, है ना। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यह यूरोपीय संघ की पहल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह भी स्टेटमेंट इसका सही होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है। इट मीन्स दिस इज कैंसिल एंड ये भी आल्सो कैंसिल। इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान WRI और धारणी विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है। ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग होगा, इट मीन्स इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत के धार्मिक इतिहास, है ना, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस पे चलते हैं कि सौंत्रिक और समिति जैन मत के संप्रदाय थे। सौत्रांतिक और समिति जैन मत के संप्रदाय थे क्या, तो ये इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका रॉन्ग है, इट मीन्स कि दिस ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट, सर्वास्तवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय कि अव्यक्त पूर्णता क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है तो इसका सही होगा, मतलब कि बी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा, मतलब किन देशों की सीमा है, हा? तो भूमध्य सागर जो है तो इनमें ऑप्शन पर ध्यान दें। ठीक है, तो ऑप्शन है कि भूमध्य सागर जो सीमा, यदि सीमा की बात करते हैं तो इनके ऑप्शंस पे यदि आप लोग ध्यान दें तो जो जॉर्डन इराक है ये तो उस पर नहीं लगते हैं, लेकिन लेबनान और सीरिया जो है तो उसी के उस पर लगते हैं। मतलब इसका जो सी नंबर ऑप्शन होगा थर्ड और फोर्थ, तो ये जो है तो सही होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन से सही हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि, क्या यह नीति आयोग का एक अंग है। ठीक है, तो मतलब कि ये इसका स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वर्तमान में इसकी कॉर्पस जो है तो
4 लाख करोड़ है, तो ये भी स्टेटमेंट इसका जो है तो रॉन्ग है। इट मीन्स कि इसका ना तो एक होगा और ना ही दो होगा, है ना। मतलब इसका जो स्टेटमेंट जो डी होगा वो सही होगा, डी मतलब ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सार्वभौम अवसंरचना सुविधा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पर ध्यान दें हम लोग। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गैर सरकारी क्षेत्रों और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो कि जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों की तैयारी और संरचना निर्माण को शुक्र बनाता है ना, मतलब आसान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, ठीक है, लोकसभा के लिए निर्वाचन में नामांकन पत्र जो है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो भारत के किसी नागरिक के द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है ना लोकसभा के लिए, तो इसका जो सी नंबर होगा वो सही होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट पर ध्यान दें, तो केवल 5 राज्य बोल रहा है, मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है तो रॉन्ग है, मतलब कि ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक है, तो पश्चिमी घाट तो निश्चित तौर पर जो है इस पर ध्यान दें, तो केवल 5 राज्य बोल रहा है ना, जबकि इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो वहीं अपना जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है तो ये सही है थर्ड नंबर, है ना, बाकी ये जो है तो 2 रॉन्ग है ना। इसका सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव ऑक्सीजन मांग यानी BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है, है ना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास यूएन हैबिटेट की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं, ठीक है। तो यूएन हैबिटेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस स्टेटमेंट में देखें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को आज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संबोधित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों, ये सही स्टेटमेंट है। इसके साझेदार सिर्फ सरकार या स्थानीय नगर प्राधिकरण ही हैं, ये एक्सट्रीम की बात कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने, यदि इस पे ही यदि देखें आप लोग तो इसमें सेकंड नंबर को एलिमिनेट कर दें, फर्स्ट आपका सही है, तो मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब PRD में देखते हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुँच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य में योगदान करता है, मतलब कि 3 नंबर भी सही है, इट मीन्स कि बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, ठीक है। तो इस पर देखते हैं, तो NSQF के अधीन विद्या शिक्षार्थी जो है क्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है, तो ये इसका रॉन्ग होगा। NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है, मतलब कि इसका जो स्टेटमेंट मतलब कि 2 सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन या डायरकी सिद्धांत किससे निर्दिष्ट करता है ना। तो डायरकी सिद्धांत जो है तो एक ऑप्शन पे देखें, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन, ठीक है। याद रखना है कि प्रांतों के उस पे जो डायरकी रिलेटेड थी वो प्रांतों के विषयों को विभाजित करना था 2 पार्टों में, ना कि केंद्रीय विषयों को, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी फिर 1935 के एक्ट के बाद जो है तो उसको केंद्र वालों में इसमें इंप्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल कैरियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो नेशनल कैरियर सर्विस इस पर ध्यान दें हम लोग, तो ऑप्शन पे देखें, तो नेशनल कैरियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है, दिस इज रॉन्ग। नेशनल कैरियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है, दिस इज आल्सो रॉन्ग, ठीक है। मतलब कि इसका डी नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, कोई भी स्टेटमेंट मतलब इसके सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल में समाचे आए दबावयुक्त परिसंपत्तियों का धारणी संचरण पद्धति यानी कि स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट एसेट एसेट्स S4A का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है ना इनमें से। तो इस पर ऑप्शन पे देखें तो यह सरकार द्वारा निरूपित विकास पर योजनाओं के पारिस्थितिक कीमतों पर विचार करने की पद्धति है या कि यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कारपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए
भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि आप यूपीएससी के जो ऑप्शंस होते हैं ना, उन ऑप्शंस पे सम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मांगता है। तो जो उसके जो चार ऑप्शंस होते हैं ना, काफ़ी वो बहुत ही मतलब कि बेहतर तरीके से उनको बनाया जाता है। तो इसीलिए जो तो आप चारों ऑप्शंस को पढ़ें और उसमें से जो मोस्ट रिलेवेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट उसी आंसर को दें, क्योंकि तो आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट जो है तो उसमें सही वो भी लगेगा, है ना, नेक्स्ट भी लगेगा, लेकिन जो ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वही एक्सेप्टेबल आंसर होता है। इसीलिए चारों स्टेटमेंट को पढ़ें और जो तब जाकर जो अच्छा लगे मतलब जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो वही आपका आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCSE G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है, है ना, या मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है तो रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के ध्यान दें, CCSE मैथन काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों पर केंद्रित करता है, है ना, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट इसका होगा वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल IOD के संदर्भ में निम्न कथनों पर से विचार कीजिए। ठीक है, तो IOD से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है, तो इस पे इनके ऑप्शन पे देखें कि IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। ठीक है, तो ये जो इसका स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। वहीं IOD परिघटना मानसून पर एलनिनो के असर को प्रभावित कर सकती है, मतलब ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन इसका बी नंबर जो होगा वो होगा सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्न में से किस स्थान जाना सबसे सही होगा, है ना। घड़ियाल को यदि बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, चंबल नदी पे, है ना, हमारे पास तो घड़ियाल संरक्षण संबंधित कार्यक्रम भी चल रहे हैं सरकार के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद या सिंपेजियम IONS के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस पर देखें कि प्रारंभिक इनागुरल IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था, इसका रॉन्ग है। IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, यानी कि इसका जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड है वो स्टेटमेंट सही है, मतलब कि बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो ना, ये जो कहाँ पास है बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र, वो है अजंता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पास पेयर इस टाइप क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं, तो परंपराएं और समुदाय ये ऑप्शन इनमें है, है ना, तो इन पर देखते हैं तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, यहाँ साहिब उत्सव कहाँ मनाया जाता है, सिंधियों का ये मतलब कि उत्सव मनाया जाता है, ये जो इसका है तो सही है। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। तो अब फर्स्ट और सी की बात करते हैं, तो नंदराज जात यात्रा तो ये रॉन्ग है, और वारी वारकरी ये भी रॉन्ग है, मतलब कि इसका फर्स्ट नंबर जो है तो ए नंबर ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 71 पे चलते हैं। तो 71 क्वेश्चन कहता है कि निम्न पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। ठीक है, तो कृषि में जल संरक्षण से सहायता रिलेटेड है, तो इसमें से ऑप्शन पे देखते हैं कि भूमि की कम या शून्य जुताई, ठीक है, तो जल संरक्षण के लिए हेल्पफुल होगी, बिल्कुल सही। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग किया जाएगा, है ना, तो इससे तो कोई खासा जल में संरक्षण से रिलेटेड तो इसका कोई मतलब कि संदर्भ नहीं महसूस होता, क्योंकि तो अम्लीयता क्षारीयता से रिलेटेड होता है फिर तो, है ना, या फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, तो ये भी सही, मतलब कि इसका जो यदि ऑप्शन की बात करते हैं इसका जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड, सेकंड इसका नहीं सही होगा, ये रॉन्ग है। आप इसे सेकंड को आप इलिमिनेट कर देते हैं, दिस एंड दिस, और फर्स्ट ऑलरेडी आपका राइट था, तो यानी फर्स्ट और थर्ड आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, तो राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है, है ना, तो सॉइल हेल्थ कार्ड का स्कीम का जो उद्देश्य की बात करते हैं तो इनके ऑप्शंस पे ध्यान दें, सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, ये बिल्कुल नहीं, है ना, कि सिंचित क्षेत्र कैसे क्या संबंध है, ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं। अब यहाँ पर देखा कि जो उन्होंने ऑप्शन तो दिया है एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड, लेकिन किस तरह से घुमाने का प्रयास किया, इसीलिए यदि हम बारीक बारीक शब्दों पर ध्यान ना दें तो हम गलत कर देते हैं, इसीलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है ना। तो मतलब कि ये जो स्टेटमेंट होगा फर्स्ट नंबर वो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले जो ऋण है उनकी मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना,
ये भी इसका भी कोई इससे वास्ता नहीं है, ठीक है। वहीं कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना, मतलब ये इसका जो है एक्चुअल आंसर होगा, मतलब कि जो फर्स्ट और सेकंड जो है तो रॉन्ग होंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जब रॉन्ग कर देंगे तो यहाँ पास बचा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही होगा, कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना, और ठीक है ये इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले उपभुक्त पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले वांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन केमिकल है ना, कौन कौन से केमिकल में पाए जाते हैं, तो इन बेस देखते हैं कौन सा सही इसमें मैच करता है, ठीक है। तो लिपस्टिक में शीशा पाया जाता है, सही है। शीतल पेय में ब्रोमिन तो वनस्पति तेल, चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये काफ़ी चर्चित भी उस समय था ना, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, तो इसीलिए उसमें मतलब कि कुछ समय के लिए मैगी में बैन भी लगा दिया गया था इसी कारण से। तो इसके जो तीनों ऑप्शन हैं तो सही मैच किए हुए हैं, मतलब कि डी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जित डायोड ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड OLED का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्श डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है, द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है, ठीक है। तो इस पर देखते हैं, इनके हम ऑप्शन पे ध्यान दें तो OLED से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके यदि हम उस पर देखें तो OLED प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविरचित किए जा सकते हैं, सही है। OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित ऊपरी वेलनी प्रदर्श या रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं, ये भी सही है, इसके इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। वहीं OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है, ठीक है, ये भी सही। वैसे जहाँ तक UPSC जो स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी से रिलेटेड देता है तो वो जो है तो मोस्टली जो है तो वो सही होता है, तो उसको आप लोग जो है तो आपके आपको उसके बारे में नहीं भी पता है तो उस पर आप इतने तो रिस्क ले सकते हैं कि वो स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, बाकी एलिमिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है इससे, है ना। यानी इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर, मतलब इसके जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो सही आंसर है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है तो सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है, ठीक है। तो सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है तो असरवल्ली, अमरकंटक या ओंकारेश्वर, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा असरवल्ली, रसवल्ली, ठीक है। बाकी तो अमरकंटक ओंकारेश्वर इसके लिए फेमस नहीं है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन ऑप्शन क्या है कि लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, तो ये तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहीं भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है, ऐसा भी कोई प्रावधान स्पेशली तौर पर मतलब कि वो ऑफिशियली नहीं है, है ना, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। मतलब हालांकि 50% ये जो प्रोसेस ये तो डिस्कस तो होते रहते हैं ना, सजेशन हम देते हैं सुधार के लिए, लेकिन ये अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, और माना वही जाता है जो ऑफिशियल लिखित होता है दस्तावेज पे, है ना। तो यहाँ पास इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि जो हम पहले से एडवांस में हम सजेशन दिया करता है, डिबेट वगैरह होती रहती है, हम लोग सुनते रहते हैं डिबेट में, तो उसमें सजेशंस के तौर पर चीज़ें दी जाती हैं, तो हमारे माइंड में वो चीज़ें होती हैं, वही UPSC कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, तो हम उसको जो तो अनजान बस वो तो ऑफिशियली तो तब तक नहीं इंप्लीमेंट में नहीं होता है और हम उसको गलत कर बैठते हैं, इसीलिए हमें उतना ही जानने की ज़रूरत है, मतलब कि हमें उसी पे मतलब कि मेन फोकस करने की ज़रूरत होती है अपने आंसर को टिक करते समय, जो ऑफिशियली हो, है ना, करंट में मतलब कि वो चल रहा हो, इम्प्लीमेंट हो चुका हो, है ना, बाकी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसका जो आपसे आंसर होगा वो होगा डी नंबर, मतलब कि इसमें कोई भी स्टेटमेंट जो है तो करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ या हुए हैं, है ना। तो इन पे चलते हैं यदि हम लोग, तो इस पे देखें तो GDP में कृषि का अंश बृहद रूप से बढ़ गया, ऐसा तो नहीं है, बल्कि घटता गया है ना, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, मतलब कि आपका डी नंबर फर्स्ट नंबर एलिमिनेट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे कि विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया ना, ऐसा मतलब कि ऐसा भी हुआ है, तो ये जो है तो मतलब कि कुछ इंक्रीज हो रहा है, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं कि FDI का अंतर्वाह इनफ्लो भी बढ़ गया, ये भी सही है, ठीक है। वहीं भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ गया है, मतलब कि इसका जो स्टेटमेंट नंबर यदि फोर्थ की बात करते हैं तो जो फोर्थ है ये भी मतलब कि बढ़ा है, मतलब कि सेकेंड थर्ड और फोर्थ, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका जो है तो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है, ठीक है।
तो आपके साइंस एंड टैक्स से भी, बायो से रिलेटेड है ना, और जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए हैं, तो इन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इनके यदि हम आंसर पे चलते हैं, तो जैसे कि जैव डिमनासिक उत्पादन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो जंतु की जननी क्लोनिंग से रिलेटेड है ये, है ना, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसका नंबर सी नंबर जो है तो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है, ठीक है, तो ये तो कॉमन सा है, सही है। NPCI ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपये प्रारंभ किया है, इसका ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब कि सी आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि एम स्ट्राइप्स शब्द कभी कभी समाचारों में संदर्भ में देखा गया है, एम स्ट्राइप्स शब्द, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये है बाघ अभयारण्यों के रख रखाव से रिलेटेड है एम स्ट्राइप्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कि GST के क्रियान्वित किए जाने के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है ना, GST जो समय लाया गया था है ना, तो उसी समय को ये मतलब ये क्वेश्चन भी उसी रिलेटेड करंट से पूछ दिया गया है, तो इस पे से देखते हैं कि जैसे कि उनके ऑप्शन पे देखें कि यह भारत में बहुप्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट इसका है, इसका मतलब यहाँ पास से बी नंबर एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। वहीं यह भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा, ये स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा ही मतलब कि उसमें से वो कर रहा है, तो कि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं समझ में आ रहा है। वहीं नेक्स्ट स्टेटमेंट कि भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बेहतर रूप से बढ़ाएगा और इसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा, यह भी स्टेटमेंट जो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब कि आगे निकल गया है, मतलब कि सेकंड थर्ड स्टेटमेंट इसके नहीं होंगे, है ना, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार ब्रांड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA कभी कभी समाचारों में भारत और निम्न में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है ना, तो ये भी क्वेश्चन मतलब कि BTIA से रिलेटेड क्वेश्चन आया है ना, तो ये क्या है, तो इसका जो संदर्भ मतलब कि वो है, तो इसका रिलेशन है खाड़ी सहयोग परिषद से, ठीक है, ये मतलब कि इनके उसमें चर्चित रहा है, मतलब कि सॉरी इसका जो एटीट्यूड जो है ना, तो इसका जो सही आंसर ये होना चाहिए ना, यूरोपीय संघ से रिलेटेड है ये जो BTIA है, तो इसका जो एटीट्यूड का जो सही आंसर होगा वो होगा यूरोपीय संघ, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत ने WTO के व्यापार सुगम बनाने के करार मतलब TFA का अनुसमर्थन किया है ना, तो यदि इस पे देखा जाए तो इसका स्टेटमेंट तो ये सही है, TFA WTO के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है, ये भी सही है ना, तो कि फर्स्ट और सेकंड सही है, इट मीन्स कि ये इलिमिनेट, ये भी इलिमिनेट। TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ है ना, ये स्टेटमेंट गलत है ना, इसका मतलब कि इसका ए नंबर जो है तो सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है, ठीक है, चाबहार बंदरगाह, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पास स्थित है, ठीक है। तो चाबहार बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जो, तो इस पर से देखते हैं इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कि अफगानिस्तान मध्य एशिया में पहुँच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर इससे नहीं होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्न में से किसके या किनके विहिता अधिदेशात्मक है, ठीक है, तो इनके यदि ऑप्शन पे देखें कि सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, कारपेट निकाय, बॉडी कारपेट, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीनों सही इसके हैं, मतलब कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, एक ऐसा अधिकार है ना, तो मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये जो अधिकार है तो ये क्या आपका मूल अधिकार है, नहीं, नैसर्गिक अधिकार भी नहीं है, विधिक अधिकार है ये भी नहीं, आपका ये जो अधिकार है ये संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना या इन्वॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना यानी एलिशा परियोजना का क्या प्रयोजन है, है ना, तो एलिशा परियोजना के लिए बात की जाती है, तो इनके ऑप्शन से देखते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो गुरुत्व तरंगों का ये संसूचन करना, ठीक है, यानी कि इसका जो बी आंसर होगा वो सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यांजलि योजना का क्या प्रयोजन है, विद्यांजलि योजना जो है तो 2017 में जो लॉन्च की गई थी उसको डायरेक्ट योजना को पूछा गया है,
तो इसके ऑप्शंस पे देखते हैं हम लोग, स्टेटमेंट पे देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना, इसका बिल्कुल भी इसका ये उद्देश्य नहीं था, है ना, इसका ये फर्स्ट नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं कि निजी क्षेत्र समुदाय की सहायता लेकर के सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, मतलब कि इसका जो ये स्टेटमेंट सही है ना, यानी कि सेकंड से होगा, मतलब कि ये भी नहीं होगा, ठीक है, और वापस फर्स्ट तो नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधारिक संरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों से ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित करना, है ना, तो ऐसे वित्तीय योगदान से रिलेटेड नहीं बल्कि शिक्षा से रिलेटेड था ये, मतलब इसका जो सही आंसर होगा स्टेटमेंट नंबर दो केवल सही है, मतलब कि इसका जो ऑप्शन वो ये होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है, है ना, तो उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम जो था तो उसका जो ध्येय है तो वो सही इसका आंसर होगा, उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भारत निम्न कथनों में से, मतलब कि ऑप्शन है कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, है ना, ऐसा है क्या, तो इस पे से देखते हैं तो ये जो ऑप्शन होगा ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है ना, तो इस पे देखते हैं दीदी, तो ये स्टेटमेंट भी जो है तो सही नहीं है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड जो है तो रॉन्ग है, मतलब कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इट मीन्स कि दिस इज राइट। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, ठीक है, यानी कि इसका जो टी नंबर है वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है, इसका निहितार्थ क्या है, ठीक है। तो यदि अनुसूची आप लोग को पता ही हो कि 1972 की अनुसूची 1 में यदि किसी भी जीव को रखा जाता है तो उसका शिकार वगैरह जो है तो ये सब प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है, तो इसमें सीधे ऑप्शंस भी देखते हैं, ये तो मतलब कि इसकी इजी होगा कि इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को, ठीक है, सेम उसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑप्शंस की उस संदर्भ में तुलना इसमें दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 92 क्वेश्चन नंबर है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है, है ना, तो न्यायिक पुनरीक्षण की बात की जाती है, तो इनके ऑप्शन में तो इसका जो सही आंसर होगा कि जो विधि और कार्यपालिका आदेशों की जो संवैधानिकता है उसके विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार ही न्यायिक पुनरीक्षण है, है ना, इसका जो ये आंसर होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्न कथनों पर घटनाओं पर विचार कीजिए, है ना, तो स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित जो घटनाएं हैं उससे रिलेटेड है, तो इस पर यदि इसके सीक्वेंस पे ध्यान दें, है ना, तो सीक्वेंस पे यदि देखें तो इसका जो सीक्वेंस होगा तो जैसे इसमें हम स्टार्टिंग से बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ और लास्ट में रॉयल इंडियन नेवी में गदर हुआ या युद्ध संग्राम हुआ, है ना, इसका जो सी नंबर ऑप्शन होगा 3-2-1, ये सीक्वेंस इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई थी, है ना, ये आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो करंट वाले क्वेश्चन है, सिर्फ आपको उनमें इनके आंसर से कोई खास मतलब नहीं, बस आपको इनके क्वेश्चन के पैटर्न से मतलब है कि क्वेश्चन के पैटर्न आप देख लें कि किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, है ना, और किस टाइप के टॉपिक जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इस पे मेन ये फोकस आपको करना है, बाकी आपको आंसर पे उनके आंसर पे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, है ना, ना ही वो आपके आंसर उस समय के करंट आपके किसी काम के भी नहीं है, ठीक है, तो ये आप लोग को विशेष ध्यान देना है। अब इस पे जैसे देखते हैं कि GDP यदि इकोनॉमी की बात करें तो ट्रेंड किस प्रकार से पूछ दिया जाता है कि पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है, है ना, तो पूरा दशक का ट्रेंड ही पूछा गया है, इसमें ऑप्शन पे किस तरह से दिया गया है सीक्वेंस में, तो इस पे ऐसा क्या हुआ है, तो ये जो ये ऐसा मतलब कि इसका ये तो रॉन्ग था, पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है ना, ये भी जो तो गलत था, मतलब कि कमी हुई थी उसमें, तो इसका जो आंसर होगा वो टी नंबर सही होगा, ना एक ना ही दो, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से इनमें से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था, ठीक है, ये प्रस्ताव था, तो इसका जो सही आंसर था तब तो था कोनो पालमपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये तब के अकॉर्डिंग तब तो हो चुका है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के इनमें से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसमें से यदि देखें तो इसमें जो मतलब इसका आंसर होगा कि राज्य विधानसभा का विघटन है ना, तो राज्य विधानसभा के विघटन संबंधित, तो यहाँ पास तो मतलब कि राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा संबंधित बात की जाती है, तो राष्ट्रपति शासन के समय संबंधित राज्य की विधानसभा होती है उसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, हाँ वहाँ राज्य के मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाता है, मतलब कि ये तो हो जाता है, लेकिन स्थानीय निकायों का भी वहाँ के विघटन नहीं होता, मतलब इसका एक और तीन जो है तो ये सही आंसर होगा इसका। ठीक है, बी नंबर इसका जो है तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्न में से कौन से परिकल्पित हैं, है ना, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इस पे से देखते हैं कि मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, ये भी ये सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये तो नहीं है। और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। जबकि कारखानों और खदानों में बच्चों के नियंत्रण का भी निषेध, ये इसका सही होगा, मतलब कि फर्स्ट और फोर्थ इसके जो है तो सही आंसर होंगे, इसी रिलेटेड शोषण के विरुद्ध से संबंधित है ना, तो 97 का सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, है ना, तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट इनमें देखा जाए तो सुमात्रा जो है तो उसकी मतलब काफ़ी उसके निकट है ग्रेट निकोबार के, कंपेरिजन इन तीन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से उसको मतलब यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इसमें से मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को जो अभिव्यक्त करता है स्टेटमेंट, है ना, तो इन पे ऑप्शन पे ध्यान दें हम लोग। तो ऐसे सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व तो जटिल है, तब उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसे सेकंड है कि ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, या सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि है, या कि उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन इसका जनता पर नियंत्रण राष्ट्रोन्मुख दशा में है, है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर होगा कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि है। ठीक है, मंत्रिमंडल स्वरूप। लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन से एक भारतीय संघ राज पद्धति की विशेषता नहीं है, है ना, संघ राज पद्धति की विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शंस पे देखते हैं कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तो है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य में सरकार असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यसभा में, ये भी लगभग सही है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ठीक है, ये इसकी जो विशेषता ये नहीं है। ठीक है, इसका जो डी नंबर होगा वो सही होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने 2017 का UPSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा यहाँ पर बतौर में बताना चाहूँगा कि आप IAS टीम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज भी लॉन्च कर चुकी है। हमारी टेस्ट जो करंट अफेयर्स है उसकी सीरीज नंबर 1 लॉन्च हो चुकी है, इसमें वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी है, वो एक्सपर्ट पैनल के द्वारा तैयार की गई है। तो इसलिए हिंदी मीडियम के छात्रों में जिस प्रकार समस्या ये होती है, उनको जो है तो करंट अफेयर्स रिलेटेड जो कंटेंट है उसकी बहुत ही कम अवेलेबिलिटी, अच्छे कंटेंट की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम को तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है लेकिन हिंदी मीडियम में बहुत ही कम है। तो इसलिए आप लोगों को मैं विशेष तौर पर यहाँ पर बताना चाहूँ कि आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। और साथ ही साथ जो भी समस्याएं हों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, टीम उसका निश्चित तौर पर निदान करेगी। और हम अपनी ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज है UPSC 2020 के एग्ज़ाम के लिए, हम उसके अगले वीडियोस भी जल्द ही लाने वाले हैं, और हम पूरा 365 डेज की करंट अफेयर्स आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से निःशुल्क जो तो हम लाएंगे, कोई भी पेड बैच यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, पेड कुछ भी नहीं है, आपको निःशुल्क हम तैयारी करवाएंगे, निःशुल्क करंट अफेयर्स देंगे, आप उसका लाभ लें। और साथ ही साथ उन दूरदराज के छात्रों को भी, या कि ऐसे छात्र जो कि कुछ परीक्षा जो कि कुछ पैसों या आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से जो तो अच्छे जो कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन नहीं ले पाए, या अच्छे मतलब कि पेड बैच नहीं ज्वाइन कर पाए ना, या अन्य किसी वजह से वो मतलब कि कंटेंट की कमी से जूझ रहे हैं, तो उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो फ्रेंड हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ।